दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की, एक ऐसे आप कह सकते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री के स्टॉक की, जो एक समय में आप कह सकते हैं निवेशकों का बहुत ही ज्यादा पसंदीदा स्टॉक रहा है और जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस रही है इसमें होना भी चाहिए दोस्तों इसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उसके लिए आने वाले कुछ क्वार्टर्स टफ हो सकते हैं, उसके लिए आने वाले कुछ क्वार्टर्स चैलेंजिंग हो सकते हैं। काफी शानदार डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी की, तो जो इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टॉक बनाता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आपको देखना है भी कि क्या इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है, क्या इन स्तरों पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कौन से वो लेवल है अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो हमें खरीदारी करनी पड़ेगी, ऐसे तमाम इश्यूज पर चर्चा करेंगे। वीडियोस को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए पॉलीप्लेक्स कॉर्प लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों पॉलीप्लेक्स कॉर्प लिमिटेड, आप देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट सी क्लोजिंग रही है और ये क्लोजिंग तब हुई है जब आपको याद होगा फ्राइडे को जो बाजार निफ्टी है लगभग 275 पॉइंट के आसपास की आप कह सकते हैं तेजी और गिरावट दिखाया है दोस्तों, ठीक है। और आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में खासकर की पॉलीप्लेक्स ने जिस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, आप एक साल में देखें स्टॉक ने माइनस नेगेटिव रिटर्न, -24% रिटर्न दिए हैं। लेकिन जरा तस्वीर को मैं पीछे लेकर के जाता हूँ, पिछले 5 साल में आप देखें तो आपको जिस प्रकार की एक ह्यूमंगस रिटर्न दिखी है, देखिए ये 9 मार्च 2018 का है, उसके बाद ये स्टॉक चलते चलते 20 20 20, ये देखिए मार्च 2020 और वहां से आप रैली देखिएगा, स्टॉक ने भागते 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 आप देखें 2 साल के अंदर 800% से ज्यादा के रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए इस स्टॉक ने 2 सालों के अंदर 800% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और देखिए मैं हमेशा कहता हूं कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी, कोई भी कितनी भी ज्यादा अच्छी हो, अगर उसने इस प्रकार के एक शानदार रिटर्न, इस प्रकार के एक जबरदस्त रिटर्न अपने निवेशकों को ऑलरेडी दे रखे हैं तो उससे ये उम्मीद करना कि यहां से कल कोई बहुत बड़ी तेजी होगी ये मुझे सही नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। और आप देखेंगे कि जैसे ही यहां से आप देखिए स्टॉक में तेजी आई, आप देखें यहाँ पे 2700, वहां से स्टॉक करेंटली आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% टूट चुका है। और देखिए डरावनी बात ये नहीं कि 50% टूट चुका है, डरावनी बात ये है आप ये लेवल को देखें 1383, और अगर मैं आपको दिखाऊं ना 1383, ये देखिए 1500 टूटा सीधा, स्टॉक 1250 है, बीच में एक 1383 के आसपास, देखिए 1384 इसी के आसपास से ट्रेड कर रहा है, और अगर यहां से नीचे गया सीधा आपको लेवल दिखेंगे 1270 के। जी हाँ दोस्तों, अगर ये लेवल टूटता है ना ये, तो फिर सीधा एक बार आपको 1250 से लेकर के 1270 ये स्टॉक आपको आराम से जाता हुआ दिखाई देगा, और इसके चांसेस तब और ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर बाजार में जो गिरावट है वो लगातार बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और देखिए कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड देती है, तो ये कभी और की बातें चर्चा है। देखिए आने वाले टाइम में हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है रिसेशन की, और रूरल डिमांड जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है उसी ये और बड़ी गिरावट होने की बातें हो रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं कि भाई साहब हाँ यहाँ पर ना जो पैकेजिंग इंडस्ट्री जिससे ये बिलोंग करती है उसमें दबा आएगा, क्योंकि भाई जब बिकवाली ही नहीं तो पैकेजिंग क्या करोगे, आप पैकेजिंग क्या करोगे अगर कह लीजिए जो सामान है वही नहीं बिकेंगे, तो इनडायरेक्ट असर आपको पॉलीप्लेक्स जैसे कंपनी में देखने को मिलेगा। और देखिए ये जो लेवल है ना, ये देखिए 1250 1500, ये टूटा उसके बाद 1270, और अगर ये देखिए उससे पहले थोड़ी सी एक 1330 है, फिर तीसरा 1270 है, यानी कि इसकी अगर गिरावट होती है तो 1330 ये वो लेवल है दोस्तों इसी के आसपास जो थोड़ा एक ऐसे सपोर्ट का काम कर सकता है, अगर यहां से बाउंस कर गया देन इट्स ओके, वरना आपको स्टॉक में सीधा आप देखिए यहां से सीधा 1150 के आसपास आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और देखिए पर्सनली मुझे लगता है स्टॉक के लिए एक बार ये स्टॉक ना आपको 1000 से शायद 1100 भी जाता हुआ
देखने को मिल सकता है अगर बाजार में सीवियरिटी जो गिरावट है वो और ज्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल से बिल्कुल हो सकता है। और मुझे ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आने वाला समय ना दोस्तों पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम्स को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और अगर क्वार्टर फोर के नंबर्स जो आते हैं उसमें ये बात कह लीजिए परिपक्व हो जाती है कि भाई साहब हाँ प्रॉब्लम होने वाली है, जिस बात का डर था वो वापस से असर हो रहा है। और अगर गर्मी बहुत बहुत बुरी पड़ती है, और जिस तरह की आप कह सकते हैं गर्मी की बातें कर रहे हैं हम, वैसी गर्मी होती है, तो फिर हालात बद से बदतर होंगे और स्टॉक आपको गिरावट दिखा सकता है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों पॉलीप्लेक्स के लिए ये जो 1000 रुपए का लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके नीचे जाना मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, और अगर ये भी टूटेगा दोस्तों तो फिर 900 के आसपास स्टॉक आपको जाता दिखाई देगा। लेकिन ये बहुत बुरी कंडीशन बात कर रहा हूँ, वरना मुझे लगता है कि एक बार 1100 में आपको ये स्टॉक आराम से जाता दिखेगा। इसके नीचे जाना बाजार को भी कह सकते हैं आप बहुत बेरिश ट्रेंड होना पड़ेगा, तब आपको ये ग्राउंड देखने को मिले, वरना एक बार 1000 1100 छू जरूर सकता है पॉलीप्लेक्स। दोस्तों देखिए, डराने की बात नहीं है, जो हकीकत है वो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन जो लेवल्स मैंने आपकी थोड़ी देर पहले चर्चा की है उसे ध्यान में रखिएगा। कंपनी टॉप नॉच है दोस्तों, देखिए कंपनी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है अगर ऐसा होता भी है, अगर ऐसी गिरावट होती भी है, तो वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म में काफी शानदार कंपनी में नजर रखे हुए हैं उनको ये स्टॉक जरूर से जरूर देखना चाहिए दोस्तों। और यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।